करनाल के घरोंडा में ओम ज्वेलर्स में फायरिंग करने के आरोपी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। आलम यह है कि व्यापारियों में रोष पनपता जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए बड़ी संख्या में व्यापारी लघु सचिवालय करनाल में एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर एसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते ज्यादातर पुलिस नाकों पर लगाई गई थी, परंतु अब जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ओम ज्वेलर के मालिक ने बताया कि 24 नवंबर को दो अज्ञात मोटरसाइकिल दुकान पर आए और कहने लगे कि बैग में सोना डाल दे, परंतु दुकानदार की मुस्तैदी एवं दुकानदार द्वारा बदमाशों का मुकाबला करने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे ग्राउंड अवतार मंडल के व्यापारियों में भारी डर व्याप्त है। इसी मामले को लेकर आज पुलिस अधीक्षक से सभी व्यापारी मिले हैं। व्यापारियों ने रोष जताते हुए कहा कि इससे पहले भी घरोंडा में इस तरह की वारदात हो चुकी है, जिससे वह डरे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से आह्वान किया कि जल्द से जल्द व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आपसे मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि दो या तीन दिन के अंदर हम आपको ट्रेडिंग करके दिखा देंगे। पहले ये किसान आंदोलन चल रहा है ना, इसके लिए सारी पुलिस उधर लगी हुई है, इसलिए उन्होंने पीसीआर के बारे में भी बोल दिया, भाई पीसीआर भी वहाँ रहेगी, पूरा पुलिस को थाने में भी फोन कर दिया है और हम इसके उससे पूरा संतुष्ट। कितने लोग आए, कौन कौन आए यहाँ से? तो मेरे 35-40 व्यापारी व्यापार मंडल की तरफ से आए हैं। तो जब व्यापार मंडल की तरफ से हम एसपी साहब को मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जैसे भी होगा हम आपके साथ हैं, ये पूरे हम टेस्ट करके दिखाएंगे। मेरा नाम मदनलाल इश्कानी। ऐसी वारदातों को क्या कहना चाहोगे? ये भाई, ये गरोड़ा में ऐसी ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। आज से साल पहले भी वहाँ मणिराम के बाहर हुआ था, उससे पहले भी एक वहाँ तोताराम पकौड़े वाला है, वहाँ भी गोली चली थी, उसको भी लगी थी। वहाँ गरोड़ा में बहुत वारदातें हो रही हैं। पहले तो हम सुनते थे कि यूपी में होती है, अब हरियाणा के अंदर गरोड़ा के अंदर सबसे ज्यादा वारदातें हो रही हैं। हम तो यही प्रशासन को अपील करते हैं कि वहाँ पर पूरा प्रबंध किया जाए, मणिराम मंडी में, तकिया में, रेलवे रोड पे, कि ऐसी वारदात आगे ना हो पाए। क्या नाम अपना? मेरा नाम मदनलाल इश्मिलानी, पूर्व प्रधान बीजेपी। एसपी से मिले हैं क्या? एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारे को 3-4 दिन का टाइम दिया, बोले अभी तक ये किसान आंदोलन की वजह से कुछ पुलिस फोर्स उधर लगी हुई थी, अब 3-4 दिन के अंदर हम इसको जो है केस आउट कर लेंगे। किस घटना को लेकर मिले थे आज? आज हम गोंडा ओम ज्वेलर्स के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसके लेकर हम इसके रिगार्डिंग मिले थे एसपी साहब से। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन तक इसको जो है केस आउट कर लेंगे। सर कब की घटना है और क्या पूरा? ये 24 तारीख की घटना है, 24/11 की शाम 6:15 बजे की। मैं दुकान के ऊपर बैठा हुआ था तो दो बदमाश आए, उन्होंने आके कहा सोना भर दो, मैंने नहीं भरा तो उन्होंने फायर किया। उसके बाद उनका विरोध करने के बाद तो उन्होंने 3 फायर किए और एक फायर जाते हुए किया, उसके रिगार्डिंग हम एसपी साहब से मिले थे। तो उसमें बचाव कैसे रहा? उसमें बचाव थोड़ा सा विरोध करने के बाद एक डंडा घुमाया हमने तो उससे उसका बचाव हो गया, तो वो घबरा के चले गए। कितने लोग थे? दो लोग थे, उनके दोनों के पास पिस्टल थी। तो कोई पहचान हो पाई है? सीसीटीवी कैमरे या सीसीटीवी कैमरे दुकान के ऊपर लगे थे, उसकी फुटेज पुलिस को दे दी गई है। तो उस टाइम पुलिस आई होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद फुटेज वगैरह ली अभी तक पुलिस ने, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पुलिस उसमें लगी हुई थी। अभी एसपी साहब से मिलने के बाद 3-4 दिन में काम केस आउट कर लेंगे। कुछ लूट में कुछ लेके गए थे? नहीं, अभी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आप संतुष्ट थे एसपी साहब से? अभी एसपी साहब से मिलने के बाद हम संतुष्ट हैं जी, अभी देखते हैं 3-4 दिन बाद क्या। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.